नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल रानी, टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से आज आपका एजुसेट प्रणाली में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और दिल की गहराइयों से आपका आज की वीडियो में स्वागत करती हूं। तो आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो है हमारा 12th क्लास का सेकेंड यूनिट का सेकेंड लेसन, जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फेशियल स्किन ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसा कि जो इसका टाइटल जैसा है, इलेक्ट्रिकल फेशियल स्किन ट्रीटमेंट, मतलब जो भी हम स्किन के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, फेशियल ट्रीटमेंट देते हैं, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स का हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी मशीनें हम यूज़ करते हैं स्किन की प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आमतौर पर आप सभी जानते हैं कि जब भी हम फेशियल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो नॉर्मली जो है उसके अंदर प्रोडक्ट का ही यूज़ होता है, या फिर हम अपने हाथों से का यूज़ करके ही फेशियल ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट देंगे तो उसके अंदर कुछ मशीन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने के लिए, प्रोडक्ट को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं। और ये मशीन्स कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की स्किन के ऊपर यूज़ की जाती है, जिनकी स्किन के ऊपर, जैसे मान लो एक्ने की प्रॉब्लम है, या फिर किसी के ब्लेमिशिंग की प्रॉब्लम है, या किसी के ओपन पोर्स हैं, तो हम इस जो है इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक ब्रश आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक ब्रश मीन्स ऐसी ब्रश जो बिजली से चलती हो, ठीक है, जो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती हो, उसका यूज़ करके हम फेस के ऊपर मसाज दे सकते हैं प्रोडक्ट को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, ये आगे से राउंड टाइप में आती है ब्रश, जिसकी हेल्प से हम स्किन के ऊपर जो है मसाज करते हैं, गोलाई में आगे से राउंड होती है, बिल्कुल सॉफ्ट इसके जो है ब्रिस्टल होते हैं, स्पंज टाइप में होता है, तो उससे हम कोई भी प्रोडक्ट स्किन के ऊपर लगा के उस ब्रश का यूज़ हम करते हैं राउंड राउंड में स्किन के ऊपर मसाज करने के लिए, इस टाइप से। ठीक है, पूरी स्किन पर हम राउंड राउंड सर्कल में घुमा के उस चीज़ का मसाज करते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रश का यूज़ करने से बेनिफिट क्या होते हैं। अब बेनिफिट क्या होते हैं कि सबसे पहले तो बेनिफिट यही है कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम लगाते हैं तो वो पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे फेस के ऊपर जो है वो कम होती हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है इंक्रीज़ होता है फेस का, और हमारी स्किन जो है ग्लो करती है, शाइन करती है, हमारी स्किन हेल्दी हो जाती है। जो भी स्किन के अंदर जो कंजक्शंस हैं, पोर्स के अंदर जो रुकावटें हैं, ठीक है, वो क्लीन हो जाते हैं, पोर्स हमारे क्लीन हो जाते हैं, फेस को, मसल्स को रिलैक्स मिलता है, हमारे माइंड को भी रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से क्योंकि मसाज थेरेपी है, हम हाथों से देते हैं, ये हम इलेक्ट्रिक ब्रश के द्वारा देते हैं। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक ब्रश को मार्केट से लेके आएंगे तो हम राइट ब्रश का चूज कैसे करेंगे, हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये जो ब्रश है वो हमारी स्किन के लिए अच्छी है, या जिस भी ब्रश का हम चुनाव कर रहे हैं वो राइट है, वो सही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हम ब्रश लेते हैं, जो है इलेक्ट्रिक ब्रश, फेशियल मसाज ब्रश भी उसको बोल सकते हैं, तो जो भी ब्रश हम लेंगे उसकी जो आगे से जो शेप होती है वो राउंड में होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये नोट करें कि आगे की शेप राउंड होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर ना हो, चौरस में ना हो, कोई नुकीली ना हो, ताकि स्किन के ऊपर हमें लगने का डर रहे, राउंड के अंदर हो, जो भी उसके अंदर ब्रिस्टल हैं, मतलब ब्रश के अंदर जो भी स्पंज टाइप में होता है या जो ब्रिस्टल होते हैं उसके आगे, वो बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, स्किन फ्रेंडली होने चाहिए, स्किन के ऊपर उनको लगाने से हमें किसी प्रकार की इरिटेशन या फिर अजीब सा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से जो स्किन के ऊपर चल सके ऐसी ब्रश का हम यूज़ करेंगे, स्किन के ऊपर एक बार चला के उसको देख लेंगे कि वो चुभता तो नहीं है, जो उसका ब्रिस्टल है वो सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। और जो भी हमारी इलेक्ट्रिक ब्रश होती है वो चलने में जो है यूज़ करने में आसान हो, या फिर जो हमारी स्किन के ऊपर अगर कोई हम जेल, कोई प्रोडक्ट या गीली स्किन के ऊपर वो
अच्छे से चल सके, स्मूथली चल सके, ये चीज़ों का हम ध्यान रख के मार्केट से जब भी लेंगे तो सारी चीज़ें पूछ के उससे अच्छी तरह से पता करके तब हम लेंगे, कोई भी ब्रश वैसे उठा के ना लेंगे। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक ब्रश को हम यूज़ कैसे करते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रिक ब्रश, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम स्किन को क्लिंजिंग से साफ करेंगे, क्योंकि साफ स्किन के बाद ही हम उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो जैसे कि कोई भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब हाथों से भी जब हम फेशियल देते हैं तो भी हम सबसे पहले क्लिंजर का यूज़ करते हैं। वो किस लिए करते हैं, ताकि स्किन हमारी क्लीन हो सके, स्किन के ऊपर से जो एक्स्ट्रा धूल मिट्टी गंदगी है, जो एक्स्ट्रा मेकअप है, वो क्लीन हो सके। उसके बाद क्लीन करके हम फेस के ऊपर प्रोडक्ट लगाएंगे, कोई जेल या क्रीम, जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं स्टेप वाइज, वो लगा के हम ब्रश को ऑन करेंगे और पूरे फेस के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन के अंदर हम पूरे फेस के ऊपर उसको मूव करते जाएंगे। और जब आप ब्रश को मूव करें तो एक जगह पे कुछ सेकंड तक रखें, धीरे धीरे उसको मूव करें कुछ सेकंड तक, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो स्किन के अंदर आसानी से पहुंच पाए, जो प्रोडक्ट है वो आसानी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद फेस को अच्छे से हम जो है रिंज कर लेंगे किसी भी क्लीन टॉवल से, या किसी भी सॉफ्ट जो है हमारे पास टिश्यू पेपर होते हैं उनकी हेल्प से हम क्लीन कर देंगे। और लास्ट के अंदर, जैसा कि हम फेशियल में करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मॉइस्चराइजर का अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाहर अगर क्लाइंट फेशियल के बाद बाहर जाता है तो उसको SPF जो है लोशन लगा के, स्किन प्रोटेक्शन फॉर्मूला जो जिसको हम बोल देते हैं SPF लोशन, उसको हम बाहर लगा के भेजेंगे, ताकि धूप का इफेक्ट एकदम से स्किन पे ना पड़े, क्योंकि स्किन हमारी बिल्कुल जो है नए सेल्स जनरेट हो जाते हैं स्किन के, सॉफ्ट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, तो एकदम से हम बाहर के एटमोसफेयर में जाएंगे तो उसका इफेक्ट बुरा ना पड़े हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि अगर हम इलेक्ट्रिक ब्रश का स्किन के ऊपर यूज़ करें तो अगर स्किन के ऊपर कॉन्ट्राइंडिकेशन है कोई, तो किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले स्किन हमारी सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है, हो सकता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक ब्रश जो है सूट ना करे, क्योंकि हल्का सा ये बिजली से चलती है तो सेंसेशन तो हल्की सी होगी, झंझनाहट सी तो फील होता है, तो उससे जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है उससे प्रॉब्लम हो सकती है, सूटेबल ना होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी की स्किन के ऊपर एक्जिमा प्रॉब्लम हो, या फिर सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, या फिर रोजासिया की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो एक्जिमा के प्रॉब्लम क्या होते हैं, स्किन हमारी फटी फटी सी हो जाती है, और रोजासिया के अंदर हमारी स्किन बिल्कुल रेड, ऐसे कहीं कहीं से रेड पैचेस होते हैं जैसे एलर्जी टाइप में, तो ऐसी स्किन के ऊपर हम नहीं करेंगे। जिनकी फेस पर वेंस ज़्यादा शो होती हो, वेंस मतलब जो नसें होती हैं बिल्कुल, जिनकी स्किन पतली होती है, उनके फेस के ऊपर भी हम इलेक्ट्रिक ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ करने से पहले। अब हम बात करते हैं सेकेंड हमारा जो है ट्रीटमेंट आता है, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट। गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट मतलब हमारी जो भी हम फेशियल ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर गैल्वेनिक मशीन का यूज होता है। ये एक प्रकार की बिजली से चलने वाली मशीन होती है, इसका यूज भी जो होता है वो प्रोडक्ट को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ये ट्रीटमेंट हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी के जैसा ही होता है, क्योंकि इसके अंदर भी हल्का सा करंट पास होता है इस मशीन के अंदर, जो स्किन के अंदर जाके हमारे न्यू सेल्स को जनरेट करता है, हमारे स्किन के अंदर जो भी कंजक्शंस होती हैं उनको दूर करता है, जो भी प्रोडक्ट हमारा होता है उसको आसानी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। तो स्किन की सारी इम्प्योरिटीज़ को ये जो है आउट कर देता है इस मशीन के यूज़ करने से, ब्लो जो हमारे पोर्स के अंदर जितनी भी गंदगी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी ख़त्म हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, और जो है प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने में ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ ऑफ गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल ट्रीटमेंट, या जो है गैल्वेनिक मशीन हाउ टू यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम स्किन के ऊपर कोई भी एसिडिक लोशन जो होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद इससे क्या होगा कि हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और जो है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारी स्किन की जो गंदगी होती है, जो हम अगर उसके ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन कोई भी लगाते हैं, तो जो
भी इम्प्योरिटीज होती है वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी हम सॉल्यूशन स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम जो है गैल्वेनिक मशीन का यूज़ करेंगे। गैल्वेनिक मशीन के अंदर दो प्रोब होती हैं, एक तो हमारा पॉजिटिव होता है, एक हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, और इसके यूज़ करने से जो प्रोडक्ट होता है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। जो गैल्वेनिक मशीन होती है क्या होती है, कैसी होती है, जब हम वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकल की तो उस दौरान हम आपको बताएंगे कि वो कैसे यूज़ होती है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। अभी तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि एक जो है मशीन होती है जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली, बिजली से चलने वाली, जिसका यूज़ हम फेस के ऊपर करते हैं, और किस लिए करते हैं, जो है हमारा प्रोडक्ट होता है उसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और स्किन के अंदर प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लोंटोफोरोसिस। लोंटोफोरोसिस, ठीक है, जब हम इस मशीन का यूज करके स्किन के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करते हैं, स्किन के अंदर अब्सॉर्ब करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लोंटोफोरोसिस। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि इससे क्या इफेक्ट होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है, गैल्वेनिक मशीन यूज़ करने के। तो सबसे पहला कि हमारी स्किन के पोर्स जो होते हैं क्लीन हो जाते हैं, हमारी स्किन जो है डिटॉक्सिफाई हो जाती है, मतलब हमारी जितनी भी इम्प्योरिटीज, गंदगी जो होती है पोर्स के अंदर वो क्लीन हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो रिंकल्स होते हैं या फिर स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस होती हैं उनको ये रिड्यूस करता है, कम करता है। ठीक है, प्रोडक्ट को जो है अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट स्किन के ऊपर बहुत अच्छा देखने को मिलता है, स्किन हमारी ब्राइट बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गैल्वेनिक मशीन यूज करने से पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या चेक करेंगे स्किन के ऊपर। लगभग सेम ही होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे कि स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो, स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन हो, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो, तो भी हम गैल्वेनिक मशीन का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो, जैसे जुकाम या एलर्जी वगैरह उसकी प्रॉब्लम हो, स्किन के ऊपर कोई कट लगा हो, कोई घाव हो, तो भी हम जो है गैल्वेनिक मशीन का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि गैल्वेनिक मशीन का यूज़ क्यों करते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं। लगभग कॉन्ट्राइंडिकेशन जो बेनिफिट है वो इलेक्ट्रिक ब्रश के, उसके लगभग सेम ही होते हैं सबके। ठीक है, तो बस फर्क इतना है कि वो इलेक्ट्रिक ब्रश है, ये गैल्वेनिक मशीन है। ठीक है, इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं जो हम स्किन के ऊपर जो हम मसाज करते हैं जिनसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन या फिर माइक्रोडर्माब्रेशन, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक मशीन क्या होती है, ये भी एक गैल्वेनिक मशीन की तरह ही बिजली से चलने वाली मशीन होती है। इसका यूज़ भी स्किन के सरफेस को क्लीन करने के लिए किया जाता है, इसका यूज़ भी प्रोडक्ट को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो स्किन के सरफेस को लूज़ करने के लिए, मतलब जो पोर्स होते हैं उनको लूज़ करने के लिए, उनके अंदर जो पोर्स के अंदर जो गंदगी होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम एक तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रोडर्माब्रेशन, ये अब तो सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन जो लास्ट जो सिलेबस था 11th क्लास का, उसमें था माइक्रोडर्माब्रेशन ट्रीटमेंट क्या होता है, कि इस ट्रीटमेंट के अंदर क्रिस्टल के टीनी बिल्कुल छोटे छोटे जो है टुकड़े होते हैं, पाउडर फॉर्म में लगा लीजिए, बिल्कुल पेस्ट होता है हमारा क्रिस्टल के टुकड़ों का, उसको स्किन के ऊपर जो है रब किया जाता था, उससे हम जैसे स्किन के डेड सेल्स रिमूव होते थे, या फिर स्किन के जो ब्लैक हेड या वाइट हेड्स के लिए होता था, तो सेम चीज़ है इसके अंदर भी। क्योंकि एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है, स्किन को एक्सफोलिएट करना, स्किन के ऊपर स्क्रबिंग वगैरह करके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करना, स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करना, वो कहलाता है एक्सफोलिएशन। और माइक्रोडर्माब्रेशन के अंदर भी सेम ही चीज़ होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक प्रोडक्ट अलग हो जाता है बस। ठीक है, तो उसको दो नामों से बोल सकते हैं हम, अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन या फिर माइक्रोडर्माब्रेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम, अल्ट्रासोनिक जो इसके अंदर एक्टिवेटेड स्पैचुला की हेल्प से क्या करते हैं, जो भी ड्राई स्किन होती है, एक अल्ट्रासोनिक स्पैचुला आता है लाइक रेजर की तरह, रेजर नहीं होता लेकिन उसकी तरह होता है, उससे हम क्या करते हैं, स्किन को स्ट्रेच कर करके हम पूरी स्किन की जो
ड्राई स्किन होती है, डेड स्किन होती है, उससे हम उतार देते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम जो भी हम सॉल्यूशन लगाते हैं, कोई भी जेल, कोई भी प्रोडक्ट स्किन के ऊपर, तो क्या होता है, एक तो उससे जो है हमारे स्किन के न्यू सेल्स बनेंगे, वो आसानी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो पाएगा क्योंकि डेड सेल्स तो हमने हटा दिए, ठीक है। उसके बाद न्यू सेल्स जनरेट करने में हेल्प करेगा, ये स्किन के अंदर आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है। इसके अंदर वाटर सोल्यूबल जो है प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादा जेल टाइप में जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या देखेंगे, सेम ही होते हैं इसके भी, स्किन के ऊपर कोई स्किन डिजीज हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो, कोई कट हो, कोई घाव हो, ठीक है, या फिर कोई हाइपर सेंसिटिव स्किन हो, या किसी की स्किन के ऊपर कोई खरोंच वगैरह लगी हो, बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हो, बहुत ज़्यादा जो एक्सेस में होते हैं येलो कलर के, तो उस कंडीशन में भी हम नहीं करेंगे। किसी की स्किन बहुत रेड हो जाती हो उस कंडीशन के अंदर भी हम अल्ट्रासोनिक जो है ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्क्रबिंग होती है, एक्सफोलिएशन होता है, और अगर किसी के पिंपल या एक्ने होते हैं तो ऐसी स्किन पे हम स्क्रब का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ हमने बात की है आज इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट कैसे कैसे दे सकते हैं। तो तीन ट्रीटमेंट होते हैं हमारे, जो है इलेक्ट्रिक ब्रश हम कैसे यूज़ करेंगे, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल कैसे यूज़ करेंगे, और अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन या फिर माइक्रोडर्मामेशन कैसे यूज़ करेंगे। एक हमारा इसके अलावा था लिम्पेथिक ड्रेनेज फेशियल मशीन, वो अभी सिलेबस कट हो गया है तो इस वजह से मैंने इसको कवर इसमें नहीं किया, ठीक है, वो हम बाद में इसको कवर कर लेंगे। लेकिन जो लिम्पेथिक ड्रेनेज फेशियल मशीन होती है उसका यूज़ भी हम जो है फेस के ऊपर, आइज़ के ऊपर, नेक एरिया के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर मतलब स्वेलिंग वगैरह हो उसको कम करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं, फेस के ऊपर मसाज देने के लिए उस मशीन का यूज़ करते हैं। तो वो भी मशीन ऐसी ही होती है, बिजली से चलने वाली होती है, फेस के ऊपर मसाज देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस मतलब इस मशीन से मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, स्वेलिंग हमारे फेस के ऊपर अगर है तो वो कम हो जाती है, न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, एक्स्ट्रा जो वेस्ट जो स्किन के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इस ट्रीटमेंट से जो एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इस मशीन का आप यूज़ करें तो किसी ट्रेंड इंसान से ही जो है ये करवाना चाहिए, जो इसके अंदर एक्सपर्ट हो, ठीक है, किसी एक्सपर्ट इंसान से ही इसका जो है आप इससे करवाएं। और यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वो ये स्किन को हम क्लीन करेंगे, डीप क्लींजिंग कर लेंगे, उसके बाद स्किन के ऊपर कोई भी जैसे कि माइक्रोडर्माब्रेशन जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है या कोई भी स्क्रबिंग एक्सफोलिएशन कोई प्रोडक्ट होता है उसको अप्लाई करके हम जो है स्किन की डेड सेल्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। स्किन को स्टीम देंगे ताकि हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाएं, जो पोर्स के अंदर जो गंदगी है वो क्लीन हो जाए, ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाए। उसके बाद स्टीम देने के बाद थोड़ा सा भी प्रेशर देके हम जब रिमूव करते हैं ब्लैक हेड्स को तो वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मशीन का यूज़ करके हम फेस के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट से हम मसाज करते हैं, जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी होती है, हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्किन हमारी जो है ब्राइट होती है, स्किन को मॉइस्चर मिल जाता है, ठीक है। फेस और नेक पे लगाकर हम पूरा मसाज कर सकते हैं, तो ये भी एक होता है। उसको मैंने इसमें छोड़ दिया था क्योंकि पहले इम्पोर्टेंट ये करना था और लास्ट में मैंने उसको बताया। तो चौथा हमारा कौन सा था, लिम्पेथिक ड्रेनेज, लिम्पेथिक ड्रेनेज फेशियल मशीन, ठीक है। तो आज हमने बात की कि जो इलेक्ट्रिकल जो फेशियल होते हैं उनके बारे में, तो आसान है और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि आ सकता है कि इलेक्ट्रिक ब्रश के बारे में बताइए, कैसे उसको यूज करते हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, या फिर आ जाए दो नंबर का कि इलेक्ट्रिक ब्रश को यूज़ करने के बेनिफिट बताइए, या इलेक्ट्रिक ब्रश को यूज़ कैसे किया जाता है, या फिर एक राइट ब्रश चूज करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, उसके क्या बेनिफिट होते हैं और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन ट्रीटमेंट फेस के ऊपर क्यों देते हैं, उस
उसके क्या बेनिफिट होते हैं और उसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल सेशन जब स्टार्ट करेंगे आफ्टर थ्योरी कंप्लीट होने के बाद, तो उसके अंदर आपको हम हर एक मशीन का यूज़ करना बताएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं, जो है गैल्वेनिक मशीन कैसे यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन कैसे यूज़ करते हैं, जो है इलेक्ट्रिक ब्रश कैसे यूज़ करते हैं, वो उन चीज़ों का यूज़ हम प्रैक्टिकल के साथ साथ बताएंगे, क्योंकि थ्योरी करते करने के साथ साथ जो है हम दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। तो एक बार हम थ्योरी का सेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हर एक लेवल के, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को आप रिपीट करके दो चार बार जब देखेंगे कैसे वर्ड को हम प्रोनंसिएशन करते हैं, कैसे वर्ड को बोला जाता है, ठीक है, तो आपको बार बार देखने से आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान, अगर कोई एक बार से कोई चीज़ हमें याद नहीं होती, एक बार से हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो उसको हम बार बार जितनी बार देखेंगे रिपीट करेंगे उतनी बार ही वो जो है याद होता चला जाएगा। अगर हम एक चीज़ को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हमें और एक चीज़ को हम 10 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी को अल्ट्रासोनिक बोलना नहीं आता, ठीक है, वो अटकता है, तो उनको बार बार रिपीट करें उसको, अल्ट्रासोनिक लिख के देखें उसकी स्पेलिंग को, बोलने की कोशिश करें, तो बार बार आप कोशिश करोगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो समझ में ना आए, जो याद ना हो, मेहनत करेंगे लगन के साथ, ठीक है, उसको याद करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। तो अपने गोल को निर्धारित करके रखिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखिए, और जो है अच्छे नंबरों से जो है आप पास हों मैं कामना करती हूँ, और जो है पढ़ाई पे ध्यान दें अपना, क्योंकि अभी आपको पता है कि स्कूल अभी फुल टाइम नहीं खुलने लगे हैं, तो क्लासरूम के अंदर मुश्किल से हाफ एन आवर होता है जिसके अंदर बहुत अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती, तो जितना होता है आपको घर पे आपको करना पड़ेगा। इसी वजह से हम आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि जो चीज़ स्कूल में ना हो पाए तो आप घर जाके इसको देख के आप रिविज़न कर सकें, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, और आपके लिए मैं नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं हमेशा आपका सपोर्ट करूँगी जितना मेरे से होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ, और मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए लेवल नए क्लास के लेसन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, जय हिंद जय भारत।